MP12, MP12 बेसिकली इंदौर का नंबर होता है। तो पहले तो जो कस्टमर इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने कार बीच में टेस्ट दिखाया और ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर चल के ये कार बीच पे आए सिर्फ अपने सिग्मा मॉडल को टॉप मॉडल बनवाने हैं। डिफ्यूजर चाहे आप स्किड बोल सकते हैं, ये लग चुका है, प्रॉपर जनरल लगा है और पीछे इसमें दिखाऊँ तो आपको नट बोल्ट पूरा टाइट किया गया है। डैम्पिंग हुई है वो अगेन M-Trax कंपनी की गोल्डन लेयर डैम्पिंग आने वाली है लगा है इसमें मोबाइल का, और इसको हमने आउटपुट देने के लिए एक अच्छा स्टीरियो लगाया जो कि जीवा कंपनी का आने वाला है। बाकी अलॉय का आपको पता ही है कि आपको 30,000 के अंदर कार भी प्रोवाइड करवा देता है। बाकी हम गाड़ी को बंद करेंगे ये ऑटोमेटिक जो आपके साइड मिरर है वो बंद हो जाएंगे। इसके लिए आप ये देख सकते हैं कितना HD और कितना अच्छा इसका आने वाला है व्यू, आप देख सकेंगे जो पूरी आफ्टर कैलिब्रेशन कितना अच्छा बर्ड व्यू बन जाता है। ये फ्रंट के आपके मोड हो गए, ये बैक के मोड हो गए। हमने भैया का यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ जी, उसके बाद हमने फिट एंड फिनिश वगैरह कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कुछ कमी लगती हो? नहीं, बहुत बढ़िया, पूरा बेस टू टॉप हो गई गाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एन अदर वीडियो ऑफ कार बीश। जो आपके सामने आज गाड़ी खड़ी है ये आने वाली है अपनी ग्रैंड विटारा नेक्सा ब्लू कलर इन सिग्मा मॉडल। ये गाड़ी बहुत दूर से आई है, गाड़ी का नंबर दिखाऊं तो आपको MP12, MP12 बेसिकली इंदौर का नंबर होता है। तो पहले तो जो कस्टमर इनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने कार बीश पर टेस्ट दिखाया और ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर चल के ये कार बीश पे आए सिर्फ अपने सिग्मा मॉडल को टॉप मॉडल बनवाने हैं। तो इनका पहले हम लास्ट में रिव्यू जानेंगे कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया दिल्ली आके, क्या वो काम उनका पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपको जो गाड़ी की मॉडिफिकेशन है पहले वो दिखाता हूँ। इस गाड़ी में ऐसा कुछ बहुत आउटली काम नहीं हुआ, एक प्रॉपर जो बेस टू टॉप की लाइनअप होती है जिसमें हम लोग एक्सटीरियर इंटीरियर से जो जो पार्ट्स लगाते हैं जो मिनिमम प्राइस में आते हैं और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाते हैं वो इस गाड़ी का दिखाने वाला हूँ। पहले फ्रंट से बात करते हैं फिर आपको रियर और साइड्स का जो व्यू है वो भी दिखाऊंगा। तो पहले तो इस गाड़ी में अपना 360 कैमरा लगाया जो कि इसके एक टॉप मॉडल का फीचर है, जिसकी कैमरे की एक प्लेसमेंट हमने यहाँ पे दी है बिल्कुल OEM जगह पे। इसके बाद आपको एक जो बेजल है हेडलैम्प का ये पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर अपनी 220 वॉट्स की जो हेडलाइट LED है वो इंस्टॉल हुई है जिसका थ्रो आपको दिखाऊंगा तो बहुत अमेजिंग आने वाला है। एक बार आप साइड में बात कर लेते हैं, साइड्स के अंदर इसके अंदर हमने रिले लगाई है जो कि आपके चाबी से ही लॉक अनलॉक करने पर विंडोज खुल और बंद जाएंगे। इसके बाद इसमें डोर वाइजर लगाया जो कि नेक्सा जेन्युइन आने वाले हैं, और यहाँ पे हमने विंडो फ्रेम किट लगाई है जो कि आपकी गैलियो कंपनी की आने वाली है, जिसमें आपको 6 पीसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर इसमें आपको 4 पीसेस चाहिए तो उसका ऑप्शन भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। नीचे की तरफ बात करें तो हमने इसमें जो अपनी साइड मोल्डिंग है ये भी लगाई है जो कि जनरल पार्ट रहता है, और बात करें इसके अलॉय व्हील्स की तो वो भी अपने पास अभी लगने वाले हैं। अभी आपको इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं। पीछे की बात करें तो इसमें भी जो क्रोम का काम है वो होगा, जैसे कि इसमें जो यहाँ क्रोम आती है बैक डोर गार्निश वो लगेगी, और इसके अलावा जो इसमें यहाँ एक लग चुकी है क्रोम जो कि अपने इंडिकेटर क्रोम आती है, और पीछे की तरफ जो अपना डिफ्यूज़र चाहे आप स्किड बोल सकते हैं ये लग चुका है, प्रॉपर जनरल लगा है, और पीछे इसमें दिखाऊँ तो आपको नट बोल्ट पूरा टाइट किया गया है जिसके आप प्लेसमेंट सारी चेक कर सकते हैं। ये इसके कुछ आगे पीछे और साइड्स का व्यू रहता है। ऊपर की तरफ बात करें तो हमने इसमें पेस्टिंग वाली जो रूफ रेल है वो लगाई है जो कि सिल्वर कलर के अंदर आती है, और आपको जो पूरा फील है उसका टॉप मॉडल का देखने को मिल जाता है। बात करें तो आप देख सकते हैं गाड़ी हिल रही है लेकिन आपकी ये रूफ रेल कहीं से कहीं तक नहीं जाती है। तो जो भी हमने इसमें सारे पार्ट्स इंस्टॉल किए वो सारे इसमें मारुति सुजुकी जेन्युइन रहने वाले हैं, जिसके बॉक्स आप यहाँ देख सकते हैं। स्पीकर हमने इसमें मैक्सिमम मोयाल के MK2 सीरीज लगाई है, और MK2 के ही पीछे कोएक्सल डाले हैं। लाइट्स की बात करें तो हमने 220 वॉट डाली है, वो मैं आपको लास्ट में इसमें जो प्रोडक्ट इंस्टॉल हुआ है वो दिखा दूंगा। बाकी जो इनके इसमें पार्ट्स निकलते हैं वो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है, पहले आपको सिग्मा मॉडल में हमने इसमें जो लेडराइट डैशबोर्ड होता है अल्फा प्लस का जो पीस होता है वो हमने इसमें चेंज करके लगा दिया है। तो आपको भी इसमें डोर्स खोल के जो सारे स्पीकर्स वगैरह लगे वो दिखा देता हूँ एक बार। बाकी इसमें पार्सल ट्रेन इंस्टॉल होगी जो कि अपनी जेन्युइन रहने वाली है। कैमरा पीछे लगा है बिल्कुल जेन्युइन जगह पे जहाँ पे आपको कंपनी की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। अभी इसमें आफ्टर कैलिब्रेशन एक अच्छा बर्ड व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो अपनी डैम्पिंग हुई है वो अगेन M-Trax कंपनी की गोल्डन लेयर डैम्पिंग आने वाली है जो कि हमने डुअल लेयर की है। स्पीकर्स की बात करूँ तो बहुत हैवी स्पीकर लगा है इसमें मोबाइल का, और इसको हमने आउटपुट देने के लिए एक अच्छा स्टीरियो लगाया जो कि जीवा कंपनी का आने वाला है, ठीक है। और डैम्पिंग की बात करो डबल लेयर हुई है, इन और आउट दोनों लेयर के लिए डैम्पिंग कामयाब है आपकी। अपने जो टूटर्स आने वाले हैं वो ये है, और इसके अंदर जो इन लाइन क्रॉसओवर होते हैं वो इसके अंदर चले गए जो कि आपको कहीं दिखने वाले नहीं है। टूटर की प्लेसमेंट बिल्कुल OEM जगह पर आ जाएगी विद टूटर की जो कैप होती है जो कि टॉप मॉडल में लग के आता है सेम इसके अंदर, तो कहीं से आपको देखने में लगेगा नहीं कि आपने ये आफ्टर मार्केट कहीं पर ये काम करवाया है, ठीक है। और बाकी इसमें एम्बिएंट लाइट लगी है, और सीट कवर वगैरह काम इसमें हो चुका है, अपनी जो किट है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है जो पियानो का सारा पार्ट होता है। ऑलमोस्ट इसमें अभी काम लगभग थोड़ा बच रहा है, तो आफ्टर अलॉय लगने के बाद आपको ये सारी चीज़ें एक बार डिटेल में करके दिखा देते हैं। डैम्पिंग का फर्क समझाऊँ आपको तो ये अपनी नॉर्मल बॉडी होती है जिस पर हमने डैम्प नहीं किया है जो कि कंपनी तरफ से आती है, तो इसका साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूँ तो आपको साउंड समझ आएगा।
ऐसा लगता है कि अंदर से ये बॉडी पूरी खोखली है क्योंकि इसके अंदर कोई इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब ये डोर लेयर डैम्पिंग होती है, ये करने के बाद दिखाता हूँ आपको। ये इसका डैम्पिंग आपको फर्क देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो आपके अनवांटेड पार्ट्स है वो सारे इसके अंदर वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं और जो आउटपुट है स्पीकर्स की वो अच्छी हो जाती है। बाकी अलॉय लगने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी तरह एक बार दिखा के हम इस वीडियो को एंड करेंगे। 2 hours later तो जैसा कि आप लोग देखेंगे जो गाड़ी है वो पूरी कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसमें आपको पूरा ओवरऑल जो काम हुआ है उसका आपको मैं रिव्यू देता हूँ। इसके अंदर फ्रंट से लगी है भैया अपनी हेडलाइट गार्निश पियानो ब्लैक के अंदर। 590 इसकी MRP रहती है। इसमें आपको जो 40% का डिस्काउंट है वो करने के बाद 360 रुपये होते हैं वो इसके लिए गए हैं। ठीक है भैया, इसके अंदर 220 वॉट्स की लाइट है जिसका थ्रो मैं आपको अंदर बैठ के चेक करवाता हूँ। फ्रंट में पट्टी लगी है जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं या इसको फ्रंट स्किट बोल दीजिए, ये भी लगी है। नेक्सा का जनरल पार्ट रहता है। ठीक है भैया, तो बाकी यहाँ पे जो मैं कैमरा है उसकी प्लेसमेंट हुई है, जीवा का कैमरा आने वाला है विद जीवा का 10.33 जो स्टीरियो आया मार्केट में नया उसके साथ। ठीक है भैया, तो ये कुछ फ्रंट की बातें रहती है। ये बॉक्स है स्टीरियो जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तो साइड्स की बात करें तो इसमें जूसर लगे हैं, अपने डिवाइडर लगे हैं, लोअर गार्निश लगी है और साइड मोल्डिंग लगी है। बस ये इसके साइड से काम रहता है, बाकी ओवरऑल लुक है पूरा बन चुका है टॉप मॉडल वाला। इसमें अपनी जो ये गार्निश होती है ये लग चुकी है भैया। इसके अलावा अपना जो इंडिकेटर क्रोम होता है वो लग चुका है और पीछे का जो डिफ्यूजर है वो लग चुका है। ठीक है भैया, पीछे से कोई देख के पहचानेगा नहीं कि आपका ये बेस मॉडल था, आपने इसको टॉप में कन्वर्ट किया क्योंकि इसमें साइज एसेसरी वो सब जेन्युइन लगी है। यहाँ पे पार्सल टे लगा, ये जो आपके अलॉयस के डब्बे है वो है। बाकी आपका जो साइड का पूरा व्यू है ये आपका बन चुका है टॉप मॉडल जिसमें हर एक चीज़ हमने जेन्युइन एसेसरी लगाई है। खाली रूफ रेल को छोड़ दे तो ये भी जेन्युइन है, ये अपना गैलियो का 6 पीसेस रहने वाला है। ये साइड मॉल्डिंग भी आपकी जेन्युइन है। बाकी अलॉयस का आपको पता ही है कि आपको 30,000 के अंदर कार भी प्रोवाइड करवा देता है। बाकी अभी दिवाली और नवरात्रि में ऑफर लेके आएंगे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगर वो ऑफर का आपको फायदा उठाना है तो आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है भैया, तो हमने इसका साइड में रखी झीले लगाई है, जैसे इसको हम गाड़ी को बंद करेंगे ये ऑटोमेटिक जो आपके साइड मिरर्स है वो बंद हो जाएंगे। जैसे वो खोलेंगे साइड्स में आपके ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। इसके नीचे हमने दी है बिल्कुल OEM जगह पे 360 डिग्री कैमरे की जो प्लेसमेंट है और देख सकेंगे बिल्कुल बर्ड व्यू बनाने में इस कैमरे का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि दोनों साइड मिरर में लगने के बाद ही ये एक अच्छा बर्ड व्यू बनाता है। तो बाकी इसके इंटीरियर में हमने बहुत अमेजिंग वर्क किया है। हमने साइड डोर्स के अंदर इसके लेदर अपहोल्स्ट्री की है जिसमें आपको हर एक चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसमें आपको थ्रेडिंग से लेके जो पियानो का वर्क है वो भी हमने लगा दिया है। इसमें जो पावर विंडोज के जो प्लेट होती है उसको हमने डीप पेंट करके इसको हाइड्रो डिप करके पियानो लगा दिया है और साथ में इसमें ऊपर नीचे जो दोनों पार्ट होते हैं उसको हमने सॉफ्ट टच कर दिया है विथ OEM थ्रेडिंग। इसमें एम्बिएंट लाइट लगी है जो कि गाड़ी की K3 रहने वाली है 6 पीसेस के अंदर। और डोर्स की बात करें तो इसमें डैम्पिंग लगी है और अपने जो स्पीकर्स है वो मोबाइल के लगे हैं। बाकी नीचे आपको जो गेयर टायर की वेलकम लाइट है वो भी देखने को मिल जाती है, आप चेक कर सकेंगे जैसे आप गेट खोलेंगे। अच्छा सा आपका जो वेलकम है वो ये वेलकम लाइट आपकी करेगी। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं। बाकी नीचे से फ्लोरिंग का वर्क नहीं हुआ, इस पर क्यूपॉक्स कंपनी के मैट डाले गए हैं, ये भी सेम GFX की तरह रहते हैं और लाइफ लॉन्ग मैट ये भी होते हैं। मैट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है अवेलेबल है ऑन काउंटर, अपनी पसंद से आप मैट डलवा सकते हैं। अब गाड़ी के अंदर बैठ, बाहर की हमने आपको लाइट दिखाई थी उसका थ्रू आप चेक कर सकते हैं कितना प्यार रहने वाला है। दिन के टाइम बिल्कुल भरी धूप में आपको ये इतना अच्छा फोकस दे रहा है तो आप सोचिए कि रात के टाइम इसका फोकस कितना अच्छा होगा। ठीक है भैया, वो तो बाकी आप हाईवे पे जब ड्राइव करेंगे तो आपको अपने पता लग जाएगा क्या चीज़ है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर के अंदर हमें जो डैशबोर्ड किट होती है उसको हमने किया अपग्रेड, जिसमें आपके जो मैट के सारे वेंट होते हैं वो पियानो बन जाते हैं और बहुत अच्छा सा एक लुक आता है। मतलब मैट मैट सी जो फीलिंग होती है ना वो एक लगता है कि बेस मॉडल चलो गाड़ी है, लेकिन ये सब लगने के बाद गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल बन जाती है आपका डैशबोर्ड। और उसके अलावा जो गाड़ी आई है इंदौर MP से आई है तो इतनी दूर से कस्टमर आए तो उनको अच्छा काम करके देना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये डैशबोर्ड किट लगी है जो कि आपको फर्स्ट पार्ट इसका ये है, सेकंड पार्ट ये होता है भैया, थर्ड पार्ट ये होता है, फोर्थ पार्ट ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये 6 पीसेस की डैशबोर्ड किट होती है और ये कोई एक अवेलेबल नहीं होती है। ओके, डैशबोर्ड किट की जो कॉस्टिंग होती है वो अपनी होती है 3,000 रुपये, लेकिन ये फैसिलिटी कोई एक लिए नहीं होती है, तो जो कोई वाला भाई है वो प्लीज़ मेरे को फ़ोन ना करे। बाकी ये गेयर नॉब होती है जो हमने चेंज कर दी है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का पार्ट रहता है। और एक ये फ्रंट USB होती है जो कंपनी की जगह पर लग जाती है, बिल्कुल ये आपकी फ्रंट USB लग गई और एक मतलब पीछे की USB लगी है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप सी केबल और टाइप बी केबल दोनों ही देखने को मिल जाती है। इसके अंदर अपना ये वाला स्टीयरिंग आता है जिसमें आपको जो सारी चीज़ें हैं ये देखने को मिल जाती है, कॉलिंग बटन नहीं देखने को मिलता। तो इसके अंदर हमने जो लगाया है वो लगाया है बेजा का स्टीयरिंग लगाया है जो कि डी कट होता है और प्लस में इसमें आपको जो लेदर रैपिंग है वो कंपनी वाली मिल जाती है, तो आपको इसमें जो एक्स्ट्रा कोई रैपिंग करवाने की नीड नहीं पड़ती। ठीक है भैया, अब उसके बाद बात करें तो हमने इसके अंदर जो अपना एम्बियंट लाइट है वो इंस्टॉल की है जो कि K3 आने वाली है। इसमें आपको मल्टीपल जो मोड होते हैं वो देखने को। बाकी अब बात करते हैं सीट कवर्स की, तो सीट कवर्स आप देख सकते हो बिल्कुल लाइफ टाइम जो
गारंटी वाले सीट कौन से होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के जो टॉप मॉडल का जो डिज़ाइन होता है वो सेम दिया है, जिसमें ऊपर की तरफ परफोरेटेड और नीचे आपको जो बर्फी पैटर्न है वो देखने को मिल जाता है। आप चेक कर सकते हैं कितना प्यार व्यू रहने वाला है सीट कवर्स का, और सीट कवर्स अगर अच्छे हो ना तो जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो अपने आप ही कंफर्ट होकर बन जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें जो डैम्पिंग की है उसका आप रिस्पॉन्स देखेंगे, जैसे कैबिन आप बंद करते हैं तो एक बिल्कुल साउंड आपकी गाड़ी से साउंड प्रूफिंग हो जाती है, साउंड बिल्कुल कम हो जाता है गाड़ी के अंदर से। अब आपको इस जो जो स्टीरियो है इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो चेक करवाते हैं, कहीं से कोई लैग नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। मल्टीपल इसमें जो आपको ऐप्स है वो देखने को मिल जाते हैं, एप्पल का ऐप ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों इसमें वायरलेस चलते हैं। जीवा कंपनी का है विद 10.33 फिटिंग, और जो फिटिंग है पियानो ब्लैक फ्रेम के साथ होती है, जिसमें कोई भी चीज़ आपकी बाहर से नहीं निकलती है, और इसमें म्यूज़िक है बहुत अच्छा रहने वाला है। अब मैं आपको इसका जो वीडियो है वो चेक करवाता हूँ कि इसका वीडियो कितना अच्छा रहने वाला है। तो मैंने साउंड को म्यूट कर दिया है जिससे किसी तरह का जो कॉपीराइट है वो आपकी वीडियो में ना आए। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कितना HD और कितना अच्छा इसका रहने वाला है व्यू, बिल्कुल वाइड एंगल एक TV की तरह हमको देखने को मिल जाता है। और अगर आप ये वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वीडियो यहाँ चलती रहेगी और आप जो अपने ऐप्स है वो यूज़ कर सकेंगे, जो भी आपके आते हैं ऐप्स आप वो यूज़ कर सकेंगे। उसके अलावा इसमें जो आपका कारप्ले है वो भी वायरलेस कनेक्ट होता है, और एंड्रॉइड ऑटो वही वायरलेस कनेक्ट होता है। 360 का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है जिसमें आप देख सकेंगे जो पूरी आफ्टर कैलिब्रेशन कितना अच्छा बर्ड व्यू बन जाता है। ये फ्रंट के आपके मोड हो गए, ये बैक के मोड हो गए, ये सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं इन 360 कैमरा। ठीक है भैया, और कैलिब्रेशन का सबसे फ़ायदा यही होता है कि अगर कैलिब्रेशन न कराएं तो वो कैमरे कहीं और देखने लग जाते हैं। राइट का कैमरा आपको पीछे दिखाएगा, पीछे का कैमरा आपको राइट दिखाएगा, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कैलिब्रेशन करने के बाद ये सारी चीज़ें आपको एक एक्यूरेट जगह पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जैसे बल्ब से हमने ये वाइट कर दिया है जो कि लाइट्स बल्ब होते हैं, ये मैंने आपको कुछ दिखाया है इसका स्टीरियो। बाकी मिलते हैं एक बार कार ओनर से, सर से जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पांस रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले शुभ नाम बताइए अपना। कन्हैया अग्रवाल। कन्हैया अग्रवाल, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम MP खंडवा। खंडवा MP से, मतलब एक दूर से, बहुत दूर से आप यहाँ पे आ रहे हो। 1000 किलोमीटर। यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? हमने भैया का यूट्यूब पे देखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था। हाँ जी, उसके बाद हमने प्लान करके आए। तो यहाँ पे आप आए हो, एक लंबा सफर तय करके आए, जो चीज़ आपको चाहिए सारी कुछ यहाँ पे मिल गई आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिल गई। फिट एंड फिनिश वगैरह कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं कुछ कमी लगती हो? नहीं, बहुत बढ़िया, पूरा बेस टू टॉप हो गई गाड़ी। मतलब कि MP से आना एक तो पहली बार बहुत चैलेंजिंग काम है, तो ये सक्सेस हो गया ना? बिल्कुल सक्सेस हो गया। एक नंबर अगर आपसे लिए जाएं 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? पूरे 10। और कल को कोई भाई MP से देख रहा हो उसको रिकमेंड करना चाहोगे? रिकमेंड हम भी पहुँचाएंगे, 4-5 लोगों को। 4-5 लोगों को आप पहुँचाओगे। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और आप इतना दूर से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है भैया, अब बात करते हैं इसके जो बजट है वो कितना गया है। तो भैया जो ये गाड़ी है इसका बजट 1 लाख+ गया है, और बाकी ऐसा नहीं है कि हर गाड़ी का बजट 1 लाख+ ही जाता है, वो आपके काम के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें करवाते हैं। जैसे कि गाड़ी बनने को 50-60 में बनती है, 70-80 में बन जाती है, लाख और 1.5 लाख में भी गाड़ी बन जाती है। हमने इतनी सारी विटारा मॉडिफाई की, सबका बिल, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है हर चीज़ में। उसके अलावा बात करें तो एक नॉर्मल एक एंड्रॉइड 4 स्पीकर कंपोनेंट को अक्सर लेके 20,000 का सेटअप चालू हो जाता है। इंटीरियर की बात करें तो 12 से लेकर अपने पास 22-25 हज़ार तक का इंटीरियर है, वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी साउंड सिस्टम की बात करें तो वो आपको अलग अलग वीडियो में हमने बहुत सारे साउंड सिस्टम, ऑडिशन, मोरेल, हर्ट्स, JBL, इन्फिनिटी, काफ़ी सारे दिखाए हुए हैं, तो वो आपके अपनी प्रेफरेंस के ऊपर होता है। बेसिकली बेस मॉडल लेने का फ़ायदा यही होता है कि आप उसमें अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ करा सकते हो। जैसे कि बेस मॉडल भैया लिया तो उनको अगर 9 इंचेस पसंद होता है वो 9 इंचेस लगवाते हैं, 10.33 में वो लगवाया, स्पीकर्स उनकी अपनी मर्जी के थे, लाइट उनकी अपनी मर्जी की थी, तो यही एक फ़ायदा होता है बेस मॉडल लेने का। अगर वो बेस मॉडल आप कार बीच पर लेके आते हो तो आपको डिस्काउंट तो मिलता है, ये प्लस में जो क्वालिटी वर्क होता है वो आपको कार बीच पर देखने को मिल जाता है। तो होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। इसकी एक दूसरी वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें मैं आपको हर एक विटारा की जो नई आइटम हुई है वो भी दिखाने वाला हूँ, और जो दिवाली और नवरात्रे का ऑफर है वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे जो लेटेस्ट सारी चीज़ें वो आप तक पहुँचती रहे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप कार बीच का चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे चला जाए जिस पर आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं।